सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारा सेकंड डे जयपुर का, और अभी का प्लान है हम लोग ब्रेकफास्ट करने जाएंगे यहाँ पे रावत का कोई स्वीट शॉप है जहाँ पे समोसे बड़े अच्छे मिलते हैं, कचौरी अच्छी मिलती है। और उसके बाद जाएंगे लस्सी वाला के पास, लस्सी पियेंगे। उसके बाद प्लान है जाने का आमेर फोर्ट, और आमेर फोर्ट होते हुए फिर हम लोग जल महल होते हुए पूरा हवा महल वगैरह घूमेंगे। तो पूरा जयपुर एक्सप्लोर करने का प्लान है। तो अभी चलते हैं पहले ब्रेकफास्ट करने, और उसके बाद निकलते हैं आमेर फोर्ट के लिए। आमेर फोर्ट 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है जयपुर सिटी सेंटर से, और ये वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है जयपुर सिटी का। एक समय पे आमेर कैपिटल हुआ करता था जयपुर स्टेट का, और जो फोर्ट है वो रेसिडेंट होता था राजपूत रूलर्स का। इस फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया इन 2013 एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सिक्स हिल फोर्ट्स इन राजस्थान। महाराजा मानसिंह फर्स्ट, जिन्होंने अकबर की आर्मी को लीड किया था, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था 1592 में ऑन द रिमेन्स ऑफ 11th सेंचुरी फोर्ट। द आर्किटेक्चर इज अ नोटवर्दी फ्यूजन ऑफ राजपूत एंड मुगल स्टाइल्स। तो अभी हमें आमेर फोर्ट में, और ये आमेर फोर्ट है यार जयपुर का। अभी हम थोड़ी देर, अभी बाइक मैंने नीचे पार्क कर दी है, उसके बाद अभी हम आमेर फोर्ट जाएंगे। और मैंने कुछ लोगों से पूछा कि वो बोल रहे हैं बाइक भी ऊपर जा सकती है वहाँ तक, तो देखता हूँ हुआ तो मैं बाइक लेके ही जाऊँगा ऊपर तक, क्योंकि वहाँ से पैदल जाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। साल बट 400 साल पहले भी राजा लोग तो रहते थे। वो कहाँ रहते थे? नीचे यहाँ पे, ये देख रहे हैं सेंटर में येलो कलर का बिल्डिंग, ये 800 साल पुराना महल। इस पैलेस को कहते हैं जोधाबाई का महल। जोधा एंड अकबर के बारे में सुना होगा, ये बर्थ प्लेस है, यहाँ जन्म हुआ था, शादी हुई थी अकबर से, फिर गए थे वो आगरा। पहाड़ी पे देखेंगे खंडर बने हुए मकान, 900 to 1000 ईयर ओल्ड। ये पूरा जो विलेज देख रहे हैं पहाड़ों से गिरा हुआ, 1000 साल। आमेर के साथ साथ आर्टिजन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि आज भी इस गांव के तकरीबन 850 से 900 परिवार हैंडीक्राफ्ट का काम है। यहाँ छोटा मोटा ये लोग काम करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ना तो इंडस्ट्री लग सकती है, ना ही कोई एग्रीकल्चर का काम हो सकता है, क्योंकि देखिए पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ। और यहाँ पहाड़ी पे आप देखेंगे एक आपको दीवार जाता हुआ दिखेगा, ये घूम के और आ गया है, ये प्रोटेक्शन वॉल राजा ने बनाया था महल और गांव की सुरक्षा के लिए। तो ये 12 किलोमीटर में फैला हुआ है पहाड़ी पे, ऊपर किला है उसे कहते हैं जयगढ़ फोर्ट, जो राजा ने डिफेंस के लिए बनाया था आर्मी के लिए। वहाँ राजा की सेना रहती थी, तोप गोले बारूद वगैरह सब वहीं थे। ये जो आप विजिट करने आए ये पैलेस है, राजा का घर, ये राजा ने रहने के लिए बनाया। बट किला जो है सर आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, क्योंकि उसका मेंटेनेंस आज भी रॉयल फैमिली के पास है। जयपुर शहर में आज भी 3 प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट है जिनका मेंटेनेंस रॉयल फैमिली देखती है। पहला किला, दूसरा सिटी पैलेस जहाँ अभी करंट रॉयल फैमिली रह रही है, और थर्ड यहाँ महल में मंदिर है काली माता का 400 साल पुराना। इन तीनों का मेंटेनेंस रॉयल फैमिली के पास है। बट ये जो पैलेस आप विजिट करने आए ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसका मेंटेनेंस स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनेस्को दोनों मिलते हैं। पर पहाड़ी पे देखेंगे आपको किले के वहाँ एक झंडा लगा हुआ दिखेगा, और झंडे के ऊपर ही छोटा सा एक अनादर झंडा और है। ये जो झंडा आप यहाँ से देखेंगे तो लगेगा जैसे इंडिया का फ्लैग है, लेकिन ये इंडिया का फ्लैग नहीं है, जयपुर का रॉयल फैमिली का फ्लैग है। यहाँ का रॉयल फैमिली का जो फ्लैग है इसे पंचरंगी झंडा कहते हैं, मतलब इसके अंदर 5 रंग है। यहाँ से तो दूर से हमें 3 दिख रहे हैं, लेकिन 5 रंग है इसमें,
और जो उसके ऊपर छोटा वाला झंडा जो देख रहे हैं आप झंडा, उसे कहते हैं क्वार्टर फ्लैग, सवाई का फ्लैग। वो झंडा हमें ये इंडिकेट करता है कि अभी करंट किंग जयपुर में है या नहीं है। अभी आप वहाँ पे दो झंडे देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जयपुर के राजा अभी जयपुर में है। अगर हम इस महल से अगर काउंटिंग करते हैं तो अभी के जो करंट किंग हैं यहाँ के वो 42वीं पीढ़ी में 42 जनरेशन, और जो यहाँ के राजा हैं अभी मात्र 21 साल, ओनली 21 ईयर ओल्ड है। उनका नाम है सवाई पद्मनाभ सिंह, महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह, सिर्फ 21 साल, जो कि पोलो टीम, जयपुर पोलो टीम के कैप्टन भी। तो अभी वो यहाँ इसलिए आपको दो झंडे दिख रहे हैं। एक्चुअली में वो स्टडी कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में। वो कोरोना कोविड से पहले यहाँ आ गए थे, इस कारण ये दो झंडे। ठीक है, वो चले जाएंगे हर या फिर सिटी से टाउन से बाहर होते हैं तो ये एक झंडा हटा लिया जाता है, सिर्फ एक झंडा ही रहता है। तो एवरीडे सनराइज के साथ झंडे लगाए जाते हैं, सनसेट के साथ झंडे हटा लिए। 400 साल से यही रूल फॉलो हो रहा है। उस ज़माने में सिग्नल होता था कि राजा अभी करंट में यहाँ है या नहीं। There are a lot of attractions one to see at Amer Fort, including the Diwan-e-Aam, the Sheesh Mahal, Saffron Garden. And the fort has number of sections, including the King's Quarter, the Jinana where the women lived, garden and temple, etc. Diwan-e-Khas yahan ka main attraction hai, aur jisko aap Sheesh Mahal ke bhi naam se jante honge, aur iski jo walls hai wo pura covered ho rakhi hai ग्लास विच वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम बेल्जियम, और इसके कारण इसका नाम शीश महल पड़ा है। एनिमल्स की फिगर कैसे देखिए मैं बता दूँ, ये सनफ्लावर है, ये बटरफ्लाई है। अब इस सनफ्लावर को कवर करते हैं, नीचे वाला हिस्सा देखते हैं तो ये पूछ लगेगा हमें शेर का, लायन टेल। अब देखिए हाथी का सूंड बन जाएगा, यहाँ से देखिए मछली फिश, यहाँ से देखिए नाग नागिन का जोड़ा, यहाँ से देखिए बिच्छू बन जाएगा, अब देखेंगे ऑक्टोपस, ये केले का पत्ता, ये तितली है ना, अब देखिए हाथी का कान दिखेगा, यहाँ से देखेंगे हनी बी का डिजाइन, ये चीटी का गर्दन और ये खरगोश के कान, ऐसे इसमें अलग अलग एनिमल्स हैं। एंड द अदर बिल्डिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द गार्डन इज सुख निवास, अ प्लेस ऑफ प्लेजर। इट इज वेयर द किंग्स वर रिपोर्टेडली रिलैक्स विद हिज लेडीज। एट द रियर ऑफ द फोर्ट लाइज द फोर्थ कोर्टयार्ड एंड द पैलेस ऑफ मानसिंह, विच हैज द जिनाना, द वुमेन्स क्वार्टर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट of the fort. It was completed in 1599. It has many rooms around it where the king kept his each wives and visited them when he wished. At its center, it's a pavilion where the queen used to meet. The courtyard exits leads down to the Down of Amber. I really like the vibe at Amer Fort and also the wall paintings done with the use of plant colors. I recommend you to hire a guide to know more about the Meena tribe and the fort and its history. After visiting historic Amer Fort, we decided to go to Elephant Village, which is just 4 kilometers away from the Amer Fort, and which I'm going to show you in the next vlog. And so far, if you like anything in this vlog, please do subscribe to my channel if you're new here, and I will see you in another video. So thanks for watching guys, and stay safe.